Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration and this is a video lecture number 20. I hope you have already watched part 1 to part 19 before watching part 20. In this lecture, we are going to discuss partial fraction. We have completed already about the integration by part, method of transformation, method of substitution, and this is a partial fraction. What is partial fraction and what to do in this partial fraction? Let me explain this. So partial fraction is nothing else but this is a something where fractional part of the denominator can be separated. और ये कह सकते हैं कि partial fraction में जो नीचे के function होते हैं denominator में जो होते हैं उसको हम अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं. उसको पार्शियल का मतलब होता है कि कुछ हद तक, अ पार्ट ऑफ. पार्शियल का मतलब हो गया अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एक पार्ट, यानी पार्ट में इसे ब्रेक करना है, अलग अलग पार्ट में, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, इतने. कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं कि पहला टाइप, इसमें भी हम टाइप थोड़ा ले लेते हैं. टाइप वन कि जब डिनोमिनेटर में क्या हो, व्हेन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डी आर शॉर्ट में लिख देते हैं, कंसिस्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फंक्शन, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फंक्शन. ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर लीनियर और नॉन रिपीटेड फंक्शन हो तो जैसे हम ये कहें कि क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि वन अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, अगर ऐसा कुछ हो तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं. तो इसको लिख सकते हैं आप ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसा इसको ब्रेक कर सकते हैं. ये ए बी सी कैपिटल है. फॉर सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ए बी सी, इस फंक्शन को इस तरह से लिखा जा सकता है. और फाइनली हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. और जैसे ही ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम फिर इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे. तो अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म का होगा तो हम उसे फाइनली क्या कर देंगे, इस फॉर्म में लिखने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे. लेकिन कैसे, ये बात जानना जरूरी है. तो हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसके जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लिख दूं, जैसा कि मैंने कहा, वो जरूरी है कि तीन ही फंक्शन हो, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं. पहले मैं छोटे छोटे सवाल लेता हूं. मान लीजिए कि एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, ऐसा कुछ दो फंक्शन हो, या एक्स माइनस टू ही हो, ऐसा कर लेते हैं. अब इस क्वेश्चन को क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर आपको करना है तो आप ये लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को, जैसा मैंने बताया, क्योंकि दो लीनियर फैक्टर है तो दो ही अनोन कॉन्स्टेंट आएंगे, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू. अब इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर एलसीएम लू तो ऊपर में आ जाएगा एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, और नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू. यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन क्या, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा. तो ऐसा हम कर सकते हैं कि एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर है तो फॉर सम वैल्यू ऑफ ए एंड बी नोमिनेटर्स कैन बी इक्वेटेड. इसका मतलब हुआ कि ये पूरा चीज इस वन के बराबर होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो वी कैन इक्वेट देम, a into x minus 2 plus b into x minus 1 is equal to 1. अब a x यहां से मिलेगा, b x यहां से मिलेगा, minus 2a plus b x minus b is equal to 1 होता है ना. इसमें हम लिख देंगे a plus b into x minus 2a plus b, 2a plus b is equal to 1. यहां क्या करना है हमें कि कंपेयरिंग द लाइक कोफिशियंट बोथ द साइड्स, कंपेयरिंग द लाइक कोफिशियंट बोथ द साइड्स,
लाइक कोफिशियंट। लाइक कोफिशियंट का मतलब क्या होता है कि एक जैसा कोफिशियंट। यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है? अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है ए प्लस बी। इधर में एक्स का कोफिशियंट क्या है? नहीं है। इसका मतलब एक्स का कोफिशियंट क्या है? जीरो है। तो ए प्लस बी किसके बराबर लिख देंगे? जीरो के। इसका मतलब ए किसके बराबर हो गया? माइनस बी के। और कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर इक्वेट कर सकते हैं, यानी ये 2a प्लस बी जो है, माइनस 2a प्लस बी, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं किसके बराबर? 1 के। अब ये b के जगह पे चाहे हम माइनस ए या a के जगह पे माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे आप चाहे b के जगह पे माइनस ए लिख दीजिए या a के जगह पे माइनस बी। b के जगह पर अगर हम माइनस ए लिख दें तो ये 2a माइनस ए इज इक्वल टू 1। 2a माइनस ए क्या हो गया? माइनस ए इज इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू क्या हो गई? 1, माइनस 1। और b इज इक्वल टू माइनस ए है तो b के जगह पे यानी माइनस ए, ये b हो गया। तो b क्या हो गया? 1। a क्या हो गया? माइनस 1। a और b हमने कैलकुलेट कर लिया, a की वैल्यू आ गई माइनस 1, b की वैल्यू आ गई 1। ये दो बातें हो गई जो हमें लिखना है, यानी इस एक्सप्रेशन को ए के जगह पर माइनस 1 और बी के जगह पे 1 ऐसा लिखा जा सकता है। यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को आप लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ऐसा। तो अगर इंटीग्रेशन अब इसका करना था हमें एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का डीएक्स का, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम पहले लिख देते हैं, पॉजिटिव टर्म है, लिखने में अच्छा लगता है, और इसको बाद में लिख देते हैं, ये लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, डीएक्स अपॉन एक्स माइनस 2 एक हो गया, माइनस डीएक्स अपॉन एक्स माइनस 1। नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर हो, x का डेरिवेटिव dx है, 2 का 0, तो log ऑफ नीचे वाला लिखते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 2, यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। log m माइनस log n क्या होता है? log m बाई n होता है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं प्लस c आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे, कई सारे आप में से बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि साहब इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी, ये तो बड़े ही आसानी से अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता कि नहीं हो जाता? इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता। या कुछ लोगों के ये दिमाग में आ रही कि अरे आपने इतना सुंदर तरीका पहले बताया है जिसमें इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो थ्योरी क्या थी, क्या खोया क्या पाया? तो उस तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो इसको कैसे बना सकते हैं? ये अल्टरनेट मेथड था, डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाता फटाफट, अल्टरनेट मेथड था क्या कि आप शॉर्टकट से इसे बना सकते थे। वो शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट क्या था? तो ये शॉर्टकट था कि आप इसे लिख दें क्या खोया क्या पाया, यानी बीच में माइनस का साइन दे दें और आप देखें कि क्या खोया क्या पाया। तो एक्स माइनस वन यहाँ आएगा, यहाँ से माइनस एक्स होगा जो कट जाएगा, और प्लस टू माइनस वन, वन बच जाएगा, वन ऊपर ऑलरेडी है, न कुछ खोया न कुछ पाया, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, और नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी आंसर आ गया। इतना आसानी से या आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इतना करने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा इतना आसानी से आ जा रहा है तो इतना करने की क्या जरूरत है? ये मेथड है, आपको अल्टीमेट मेथड ये नहीं है, बट एक मेथड है जिसके लिए आपको सिखाया जा रहा है कि अगर फंक्शन ऐसा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। दो में तो ये क्या खोया पाया क्या पाया आसानी से लगा पाएंगे, लेकिन जब तीन होगा तो ये नहीं लगेगा, तब इसकी शरण में जाना पड़ेगा। अगर चार हो तब नहीं लगेगा। दो है तो आप परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं इसको बड़े ही आराम से, और परफेक्ट स्क्वायर बना के बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। जैसे उसी क्वेश्चन को अगर मैं मेथड थ्री की बात करूं सॉल्व करने का, तो ये क्वेश्चन था हमारा, वही क्वेश्चन था कि एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब क्या करेंगे आप, एक्स के कोफिशियंट के हाफ का स्क्वायर प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे,
यानी 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और 4 - 9/4। तो क्या हो जाएगा, 4 - 9/4, 4 4 = 16, ये हमारा 2 है, 2 - 9/4 मिलेगा, 2 - 9/4, 4 2 - 8 - 9, -1/4। तो आप इसको लिख सकते थे क्या, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है और 2 से ये 4 2 - 8 - 9, -1 बच जाएगा, -1/4, इसको -1/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लग गया x² - a² याद है आपको फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा, बिल्कुल याद होगा, 1/2 a, a का मतलब ये 1/2 a, log x - a, x - 3/2 -1/2 अपॉन x + a। तो ये हो गया x - 3/2 प्लस ए के जगह पे 1/2 + c। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 से 2 कट जाएगा और ये फाइनली आंसर आपका ऐसा आ गया कि लॉग ऑफ क्या, x - 3 - 3/2 -1/2 -4/2 यानी 2, और यहाँ पे -3 + 1 -2/2 -1 x - 1 + c, ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऐसा था x - 1 x - 2, इसका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कंपटीशन के लिए इस क्वेश्चन को और भी आसान कर सकते हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्टिव करना हो तो इस क्वेश्चन को और भी आसान कर सकते हैं, और वो क्या है, वो चौथी मेथड की बात कर लेते हैं, यानी आप इसे और ज्यादा बड़े ही प्यार से लिख सकते हैं, क्वेश्चन को बिना कुछ देखे बिना कुछ किए आप आंसर लिख सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं फॉर्मेट में, a log x - 1 प्लस b log x - 2 प्लस c आंसर। इस पैटर्न का क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही होगा, इस तरह से आप आंसर लिख सकते थे। लेकिन कैसे, a और b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू निकालने के लिए इसको जीरो पुट कर देते, तो इसको x माइनस वन को जीरो अगर पुट करेंगे तो x माइनस वन जीरो का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 1 हो गई, और इसको न्यूमरेटर में अगर x का फंक्शन हो तो वहां भी x की जगह पे 1 रख देंगे और डिनोमिनेटर में भी रख देंगे एक्सेप्ट इसको छोड़ के, क्योंकि इसको रखोगे 1 - 1 0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ 1 माइनस यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ 1 रख देंगे तो 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आ गई a की वैल्यू -1 log x - 1। b की उसी तरह से निकालनी है तो b को क्या करेंगे, इसके कोफिशियंट x - 2 को जीरो पुट कर देंगे, x - 2 को जीरो पुट कर देंगे तो x = 2 हो जाएगा, उसमें भी हमें x - 2 में नहीं रखना है, ऊपर में या नीचे में जो भी फंक्शन होगा x - 2 को छोड़ करके वहां पे x की वैल्यू 2 रख देनी है, तो ऊपर में तो x का कुछ है नहीं, नीचे में x की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये हो गया log ऑफ x - 2, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा फटाफट, माइनस पहले वाले का आंसर आया था माइनस, यहाँ साफ साफ थोड़ा लिख दूं, माइनस log x - 1 प्लस log b का 1 आया था x - 2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को बिना कुछ लिखे पढ़े, जो इतने बड़े क्वेश्चन था उसका जवाब आप विद इन सेकेंड लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये ऑप्शन में दिया होगा, आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसको करने के लिए, कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन x - 2 x - 5 dx है, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते थे, इसका आंसर लिख सकते हैं a log, कोई भी पहले लिख दो कोई भी बाद में लिख दो, x - 5 प्लस बी लॉग क्या x - 2 प्लस सी। अब a और b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको पुट करेंगे 5 को, x - 5 को 0, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है ये वाला है, तो 5 x - 5 को 0 पुट करोगे मतलब x को 5 पुट करोगे, तो 5 - 2 क्या आ जाएगा 3, 5 - 2 क्या आ जाएगा 3, यानी 1/3, ऊपर में 1 है और नीचे में 3 है,
तो 1/3, एक की वैल्यू क्या आ गई 1/3, तो ये हो गया 1/3 log x माइनस 5। और ये निकालने के लिए x को 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 5 क्या आ जाएगा -1/3, चूंकि -3 आ जाएगा और ऊपर में 1 है तो -1/3 log x माइनस 2 dc। अब ये हो गया आपका कितना कि हम यहाँ पे रख देंगे 1/3 कॉमन ले लेंगे log m माइनस log n, तो आप सीधे लिख सकते हैं log x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस सी आंसर। तो देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। थोड़ा साफ साफ लिख दो इसको, अच्छा नहीं लग रहा। log x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब सवाल है इसका और एप्लीकेशन, एडवांस एप्लीकेशन क्या हो सकता है अगर क्वेश्चन ऐसा हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये लिखा है ऊपर में 2x माइनस 1, नीचे में लिखा है x प्लस 3 एंड x माइनस 2 dx। अब इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं उसी पैटर्न से क्या? यस कर सकते हैं। पहले ट्रिक कैसे कर लेते हैं फिर कंसेप्ट से करेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे जो कंपटीशन के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको लगेगा ये क्या ट्रिक ट्रिक बता रहे हैं, हमको तो स्कूल में ऐसा करने से नंबर मिलेगा नहीं। तो हमें वैसा ट्रिक बता, कुछ तरीका बताए जैसे स्कूल में नंबर मिले। बिल्कुल आपके ही बात पे हमने मुझे पता है सबसे पहले आपका ही मेथड किया था कि जिससे आपको स्कूल में नंबर मिले, यानी कंसेप्चुअल जो लंबा हुआ था उसको शॉर्ट तरीका बता दिया जिससे कंपटीशन में भी किया जा सकता है। अब इसका आंसर क्या लिख देंगे, ए लॉग एक्स माइनस 2 प्लस बी लॉग कितना एक्स प्लस 3 प्लस सी, ये आ गया। आपका काम क्या है, क्वेश्चन ये देखें तो ऑप्शन में आप आंसर इस पैटर्न का जरूर देखें, इस पैटर्न का, या डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्लस है तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है और माइनस आएगा तो डिवाइड भी हो सकता है। तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जनरली इसी पैटर्न का ऑप्शन होगा। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना चाहिए, इसको पुट करना चाहिए 2, 2 पुट करना है इसमें छोड़ करके किसी में पुट कर लीजिए, तो ऊपर में क्या होगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, ऊपर में आ जाएगा 3, नीचे में क्या होगा 2, यहां पुट करना है 2 प्लस 3 5, तो 3 बाई 5 आ गया, एक जगह पे 3 बाई 5 होना चाहिए। बी का कोफिशिएंट चेक करना है तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 को 0 पुट करेंगे, मतलब एक्स को माइनस 3, तो माइनस 3 यहां रखेंगे तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, ऊपर में आ जाएगा माइनस 7 और नीचे में क्या आ जाएगा माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3, इसमें तो पुट करना नहीं है इसमें करना है माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, तो माइनस 5 नीचे आ गया, यानी टोटल मिलके माइनस माइनस प्लस हो गया 7/5। ये फंक्शन सेम है, ये कोफिशियंट आपने चेक कर लिया और आंसर में टिक लगा दिया, है ना, ये आसान सा तरीका है ना, मजा आया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन पूरा आंसर आ गया x माइनस 2 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस सी आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को फिर से कंसेप्चुअल तरीके से करते हैं एक बार, क्योंकि उन बच्चों को स्कूल में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख दोगे तो स्कूल में तो नंबर मिलेगा नहीं। स्कूल में करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सो फॉर दिस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से करते हैं कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन, कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्या, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए, चलिए अगले स्लाइड में करते हैं, सॉरी। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था ये कि 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3 एंड x प्लस 2, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 एंड x माइनस 2, ये था क्वेश्चन हमारा। इसको हम लिखेंगे न्यूमिरेटर को, ये 2x माइनस 1 जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसके हिसाब से क्या करेंगे, लीनियर अन नॉन रिपीटेड है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, और दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2, जैसा कि हमने कहा था कि कांस्टेंट के साथ इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा
टू एक्स माइनस वन, डी नोमरेटर दोनों के सेम आएंगे इसलिए नोमरेटर को हमने कंपेयर कर दिया। अब यहां पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग लाइक कोफिशियंट, कंपेयरिंग लाइक कोफिशियंट कोफिशियंट। अब यहां पे एक्स का कोफिशियंट यहां से क्या मिलेगा बताइए, ए एक्स और यहां से बी एक्स, यानी ए प्लस बी मिलेगा एक्स का कोफिशियंट, और इधर एक्स का कोफिशियंट क्या है टू, ये आ गया। दूसरा क्या मिलेगा, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू टू आ गया, एक तरफ ए प्लस बी मिलेगा और दूसरी तरफ क्या मिलेगा टू। कॉन्स्टेंट टर्म यहां से क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट टर्म यहां से मिलेगा माइनस टू ए और यहां से थ्री बी, यानी थ्री बी माइनस टू ए इज इक्वल टू इधर से क्या मिल जाएगा माइनस वन। तो अब इन दोनों में से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब एक इक्वेशन सॉल्व करने का काम हो गया, तो आपको ये सॉल्व करना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे, टू से मल्टीप्लाई कर दें अगर ऊपर वाले को तो क्या हो जाएगा, टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू फोर। अब ये टू ए से टू ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ऐड करने से थ्री बी प्लस टू बी फाइव बी इज इक्वल टू थ्री, यानी बी इज इक्वल टू क्या हो गया थ्री बाई फाइव, बी इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू टू है तो ए क्या हो जाएगा टू माइनस बी, यानी टू माइनस थ्री बाई फाइव, फाइव टू जा टेन माइनस थ्री सेवन बाई फाइव, तो ए आ गया सेवन बाई फाइव। इसका मतलब है कि इस इंटीग्रेशन को जो अभी तक हमारा था ये टू एक्स माइनस वन, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको ए और बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे है हमारा ऊपर में है, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए ये चीज लिख सकते थे। ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ए आया है हमारा सेवन बाई फाइव तो यहाँ पे लिख देंगे सेवन बाई फाइव वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, ए की वैल्यू यहाँ पे सेवन बाई फाइव एक्स प्लस थ्री। और बी की जगह पर क्या आया है, बी आया है हमारा थ्री बाई फाइव तो लिख देंगे थ्री बाई फाइव इंटू वन अपॉन एक्स माइनस टू, यानी इस पूरे फंक्शन के बदले ये लिख सकते हैं। अगर इसको इंटीग्रेशन करना है मतलब इसको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन बाई फाइव कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस थ्री बाई फाइव बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स तो क्या हो जाएगा सेवन बाई फाइव लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री बाई फाइव यहाँ लॉग ऑफ एक्स माइनस टू और प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो सेम आंसर आएगा दोनों ही तरीके से, आंसर तो सेम आना ही है, क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, है कि नहीं, यहाँ पे भी वही आंसर आया। अब ये स्कूल का मेथड हो गया, ये कंपटीशन का मेथड हो गया। कंपटीशन का मेथड में क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड की जरूरत है, क्योंकि 15 सेकेंड में आप एनालाइज कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन है, आंसर इस पैटर्न का होगा, आपको इस पैटर्न का आंसर ऑप्शन में लिखा ही होगा, जो ऑप्शन में इस पैटर्न का आंसर लिखा होगा अगर एक ही लिखा है तो उसी को टिक कर दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे तब तो 1-2 सेकंड में ही हो जाएगा, लेकिन कम से कम दो इस तरह के ऑप्शन होंगे जिसमें कोफिशियंट का गोलमाल रहेगा, कोफिशियंट को चेक करना है और कोफिशियंट को चेक करना अब फटाफट है। जिसका कोफिशियंट आपको डिफरेंस लगे, दोनों में से कोई एक ही डिफरेंस होगा तो उसको चेक कर लीजिए कि उसका एक्चुअल में कोफिशियंट होना क्या चाहिए, क्या तरीका है। जैसे कि हमने बताया x प्लस थ्री का कोफिशियंट चेक करना है तो x प्लस थ्री को 0 पुट कर दो, इसमें छोड़ के बाकी सब में 0 पुट कर लो। हालांकि ये 0 पुट करना टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि ये 0 पुट करने से क्या होता है, फंक्शन इंफिनिटी हो जाएगी, लेकिन इससे आंसर निकल के आता है इसलिए ऐसा हम करते हैं। स्कूल में भी आप थोड़ा सा ट्रिकी कर सकते हैं, यहाँ पे खाली कर ले कि इक्वेटिंग लाइक को कंपेयरिंग लाइक कोफिशिएंट बोथ द साइड्स, और ए और बी की वैल्यू सीधे सीधे लिख दें, कौन से तरीके से जो अभी आपने सीखा है उस तरीके से, और यहाँ पे फिर इंटीग्रेट कर लें तो आपका काम चल जाएगा, इतना सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। लेकिन चीटिंग अच्छी बात नहीं है, आपको प्रॉपर लिखना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर इसमें तीन हो तब क्या करेंगे, जैसे ये हो जाए कि डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ऊपर में एक्स है नीचे x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ऐसा कुछ हो जाए तब आप कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका शॉर्टकट भी है और लॉन्ग कट भी है, आप कौन सा पहले जानना चाहेंगे, पहले शॉर्टकट जानते हैं। क्या लिख देंगे आंसर, a log x माइनस वन प्लस बी log x माइनस टू प्लस सी log x माइनस थ्री, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस डी,
कुछ कांस्टेंट या के, कुछ भी लिख लीजिए के, ये कुछ एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी लिख सकते हैं, या कैपिटल से लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट है। अब यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, बुद्धि क्या कहती है कि आप एक्स माइनस वन को जीरो पुट कर दो। एक्स माइनस वन को जीरो पुट करने का मतलब क्या है कि एक्स को वन पुट करो, तो ऊपर में तो वन हो गया, नीचे वन माइनस टू क्या हो गया माइनस वन, और यहां से मिल जाएगा माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस वन टू, ऊपर में वन नीचे में टू, यानी ए की वैल्यू आ गई कितनी वन बाई टू। बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस टू को जीरो पुट करें यानी एक्स को टू पुट कर रहे हैं, तो ऊपर में टू आ जाएगा, नीचे टू माइनस वन वन, और टू माइनस थ्री माइनस वन, तो नीचे में आ गया वन, यहां से माइनस वन, इसमें तो रखना ही नहीं होगा था, तो ये हो गया माइनस वन नीचे में, ऊपर में टू यानी माइनस टू, तो बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू। सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सी की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस थ्री को जीरो पुट करोगे यानी एक्स को थ्री पुट करोगे, तो ऊपर में आ जाएगा थ्री, नीचे में थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस टू वन, टू इंटू वन टू, ऊपर में थ्री नीचे में टू, तो सी की वैल्यू क्या आ गई थ्री बाई टू, बाकी कहानी तो वही है, आंसर लिख सकते हैं। यानी फटाफट आप विद इन मिनट, आई एम श्योर विद इन मिनट आप क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं सीधे सीधे, क्या आ जाएगा यहाँ पे पूरा आंसर, वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बाई टू, आंसर आ जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस नहीं माइनस माइनस टू, बी की वैल्यू माइनस टू आया है, माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू, और प्लस थ्री बाई टू लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर स्कूल में करना है, किसी को बोर्ड के लिए करना है, तो उसको प्रॉपर करना ही पड़ेगा, और प्रॉपर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान से, हम इसको लिख देते हैं फिर से क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को, आई इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन था, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री डी एक्स। सो व्हाट यू नीड टू राइट, यू नीड टू राइट कि एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू, एंड सी अपॉन एक्स माइनस थ्री, ऐसे। अब ऊपर कोफिशियंट क्या आएगा, ए एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू आएगा, एक्स माइनस टू आएगा ना, इधर में क्या आ जाएगा एक्स। अब यही हम इसको लाइक कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट इधर कुछ नहीं है तो जीरो पुट करो, एक्स के इधर जो कुछ भी कोफिशियंट आएगा उसके जगह पे वन पुट करो, कांस्टेंट को फिर पुट करो, और उसकी जगह पे क्या इधर कांस्टेंट नहीं है तो जीरो पुट करो, तो तीन इक्वेशन आएगा, उन तीन इक्वेशन को फिर सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि आप कर सकते हैं बड़े ही प्यार से, लेकिन हम आपको ये कह देते हैं कि आप इसको ऐसा कर लीजिए कि सीधे लिख दीजिए कि कंपेयरिंग लाइक कोफिशियंट, सीधा सीधा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कंपेयरिंग लाइक कोफिशियंट बोथ द साइड्स, ये बात लिख दीजिए, और लिखने के साथ ही कोफिशियंट बोथ द साइड्स, और आप आंसर लिख दीजिए डायरेक्ट बिना कंपेयर किए हुए, ये एक तरह से धोखा है, धोखा देना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए एक्स माइनस वन को जीरो पुट करोगे, तो x माइनस वन को जीरो पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, x माइनस वन को जीरो पुट करने से यहाँ x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा तो मिल जाएगा x माइनस वन को जीरो पुट किया मतलब x को वन पुट किया, तो वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू वन माइनस थ्री, यानी यहाँ मिल गया माइनस वन माइनस टू टू ए, टू ए इज इक्वल टू वन, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया वन बाई टू, ए की वैल्यू आ गई वन बाई। ठीक है, इसी तरह से अब बी की निकालनी है तो हम पुट कर देंगे, ये सब लिखना नहीं है आपको, सीधे सीधे ये दिखाना है, हम तो ये लिख रहे हैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए, आप सीधे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, ये चीज को गोल कर दीजिए, आपका उसके लिए कोई नंबर मिलता नहीं है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। अगर बी को यानी एक्स माइनस टू को जीरो पुट करें तो ये भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी एक्स माइनस टू है इसलिए वो भी जीरो हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा टू माइनस वन, क्या मिलेगा बताइए,
यहाँ x माइनस टू को जीरो पुट करें, मतलब इधर टू, x के जगह पे टू, इधर मिलेगा b इंटू टू माइनस वन एंड टू माइनस थ्री, यानी b इज इक्वल टू माइनस बी, यहां से मिल गया, इधर टू है तो b आ गया माइनस टू। और c कितना होगा, इस तरह से अगर हम c को कैलकुलेट करें तो c के लिए x माइनस थ्री को जीरो पुट करोगे तो x माइनस थ्री को जीरो पुट करोगे मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ c यहां से बचेगा। तो क्या हो जाएगा c की वैल्यू, यहां पे लिख देता हूँ, c की वैल्यू मिलेगा यहाँ पे थ्री, और इधर में मिल जाएगा थ्री माइनस वन, सी इंटू थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू, तो यहाँ मिल जाएगा टू सी इज इक्वल टू थ्री, यानी सी इज इक्वल टू 3/2। तो आप ये सारा काम रफ में करके और यहाँ सीधे लिख देंगे कंपेयरिंग लाइक कोफिशियंट, क्या क्या वैल्यू आया जी, वैल्यू आ गया यहाँ पे ए की वैल्यू कितने, ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू हाफ, बी की माइनस टू और सी की 3/2। ये सीधा सीधा लिख देंगे, आपका टाइम बच जाएगा और आपकी एनर्जी बच जाएगी और आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। तो अब एबीसी की वैल्यू लिख देते हैं और लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू अगर आप यहाँ लिखते हैं तो ये इंटीग्रेशन किस तरह का हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ए बी सी की अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो ये इस फंक्शन के बदले ये फंक्शन लिखना है, ए के जगह पर क्या लिखना है 1/2, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 वन अपॉन एक्स माइनस वन, बी की वैल्यू आई है माइनस टू डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, और सी की वैल्यू आई है 3/2 अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स, और यहां पर भी 1/2 को चूंकि हमने अलग नहीं रखा है तो 1/2 यही लिख दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिख देंगे 1/2 एक्स माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस 3/2 लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए स्कूल का तरीका ये है। सो आई होप यू गॉट इट, और इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन का ये एपिसोड खत्म हुआ, और आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तीन चार तरीके बता दिए हैं, उन सबको आप लेकर के कंफ्यूज ना हो, बारी बारी से इस वीडियो को दो तीन बार देखें, और आप दो तीन बार जब देखेंगे तो आपको सब मेथड अलग अलग समझ में आएगा कि 2 सेकंड से लेकर के और 2 मिनट या 5 मिनट तक करने का तरीका हमने इसमें बता दिया। आप 2 सेकंड में ही क्वेश्चन देख करके आंसर लिख सकते हैं, टाइप देख करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और आप इसको 5 मिनट भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ हम 3 इक्वेशन बनाएं और तीनों को सॉल्व करें तो ये 5 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और निश्चित रूप से आपको ज्यादा टाइम लगेगा, स्कूल में ऐसा लोग करते हैं और करवाते भी हैं। सो आई होप आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यहाँ तक का सफर आनंददायक रहा होगा, मजेदार रहा होगा, और आप मनपसंद क्वेश्चंस कर पाए होंगे। आगे आने वाले जो क्लास होगी उसमें हम कुछ और नई बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी वीडियो देखी, आपका पेशेंस रहा, आपका प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहा हमारे ऊपर और आगे भी बना रहेगा ऐसा हम समझते हैं, और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।